हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज दिन का मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज से जो भी वीडियोज आने वाला है उसमें एक वीडियो हमारा रहेगा जॉब्स और इंटर्नशिप के रिलेटेड। तो आज जो हमारा जॉब का वीडियो है, जो भी इंटर्नशिप का वीडियो है, जो डिटेल है उसमें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सीबीएसई ने अपना 10th बोर्ड का विथ मैट्रिक्स का ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया है आज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोग को आज 7 घंटा पहले ही, कि डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड ऑन cbserizult.nic.in और cbse.gov.in और डिजी लॉकर। तो आप इन तीनों जगह से, यही cbserizult.nic.in से, या तो फिर cbse.gov.in से, या डिजी लॉकर से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और आप अब आगे का करियर का, चाहे आपको साइंस लेना हो, चाहे कॉमर्स लेना हो, या आर्ट्स लेना हो, अगर आप इस पे भी कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं, या चाहते हैं कोई करियर में आपको अगर गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप एक बार कमेंट करना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको, आपके साथ में ये जो इसका साइट है, सीबीएसई का ऑफिशियल साइट है, मैं उसका आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर से जाकर अपना डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसा ही जितना भी इंफॉर्मेशन हो, सारा टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या सुबह सुबह द हिंदू पेपर का एनालिसिस हो, जो करंट अफेयर्स रहता है, टॉप न्यूज रहता है, वो सारा कुछ आपके पास डेली पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉप न्यूज है वो है एक कॉग्निजेंट कंपनी का, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज का, जो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी इस साल अनाउंस की है कि वो अप्रोक्स 1 लाख फ्रेशर्स को हायर करेगी। और 1 लाख फ्रेशर्स को हायर करने के पीछे रीजन ये है कि कॉग्निजेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज जो कि लॉकडाउन में, जो कि कोविड के कारण अपना जॉब छोड़ दिए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, या तो कंपनी ने उन्हें निकाल दिया, या खुद से उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, तो इसी कारण से इस बार कॉग्निजेंट के पास में बढ़िया वैकेंसी है, जो कि अप्रोक्स 1 लाख वैकेंसी है। तो आप अगर फ्रेशर हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉग्निजेंट के साइट पर जा करके, जो इसका ऑफिशियल साइट है cognizant.com, मैं इसका भी लिंक आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो आप उस पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करके इसके कैरियर सेक्शन में आप जा सकते हैं, और कैरियर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे जॉब्स हैं। जैसे बिजनेस प्रोसेसेस में है 1461 जॉब्स, उसके बाद कंसल्टिंग में है 4019 जॉब्स अप्रोक्स, उसके बाद कॉरपोरेट में है 167 जॉब, डिलीवरी मैनेजमेंट में है 505 जॉब्स, सेल्स मार्केटिंग में है 93 जॉब्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 1 जॉब, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रोक्स 1500 जॉब्स, और डिजिटल में है अप्रोक्स 9000 जॉब्स। और ऐसे ही और भी ज्यादा जॉब देखने के लिए आप इस पर शो मोर में क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो आगे का पोर्शन है वो आपको और कुछ नहीं करना है, शो मोर में क्लिक करके आप इसके जॉब में, जैसे कि आपको बिजनेस प्रोसेस में जाना है तो आप बिजनेस प्रोसेस पे क्लिक करिएगा, इसके बाद में ये आपको नेक्स्ट साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। आप नेक्स्ट साइट पे ये सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने होम स्क्रीन पे, ये इसका सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसका सैलरी देख सकते हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो देख सकते हैं, और जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ पर ध्यान दें कि आपके पास एक बढ़िया रिज्यूमे, जो कि आपका सारा स्किल्स को, वर्क एक्सपीरियंस को, या अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आपके बारे में वो सारा का सारा डिटेल्ड एक रिज्यूमे बना ले, और फिर उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कंपनी की ओर चलें तो सेकंड नंबर पे है हमारे पास में जोश टेक्नोलॉजीज। तो जोश टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, और ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करती है। तो हमारे पास इस कंपनी का भी एक, मतलब अभी जितना वैकेंसी है वो सारा आ गया है। वैकेंसी पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है। वो ये अपने एम्प्लॉयमेंट सॉरी ये अपने एम्प्लॉय के लिए भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ्रेंडली है, और साथ ही साथ ये ट्रिप और टूर वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते रहती है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो आप नीचे जाकर के ये देख सकते हैं कि इसके पास में कितने सारे टेक्निकल जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है।
सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा में, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पाइथन में, उसके बाद सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रूबी एंड रेल्स में। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे जॉब्स इसमें अवेलेबल है। जैसे अगर आपको किसी भी जॉब के लिए इसमें जाना है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो बस आप उस पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बी बी टेक इन सी एस आई टी सी और एम सी ए फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं बी बी टेक में, मतलब आपका जो अगर ब्रांच है सी एस आई टी और ई सी, या आप एम सी ए कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो फ्रेशर है वो नहीं कर सकता है, इसमें 2 to 5 years का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें वर्क लोकेशन आपका गुड़गांव रहेगा और इसमें एक हैंडसम सैलरी भी मिलता है आपको। मतलब हैंडसम सैलरी कहने का मतलब है कि अप्रॉक्स 8 to 10 lakh rupees आपको पर एनम मतलब सी टी सी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब अगले अगर किसी कंपनी पे चलें, तो अगर मतलब आज तो ये दो कंपनी का जॉब हो गया, अब हम लोग चलते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप का हमारे पास आया हुआ है टेक महिंद्रा का, ठीक है। तो अगर टेक महिंद्रा का बात करें, तो ये 2021 में समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप दोनों इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है। अगर समर इंटर्नशिप की बात करें, तो समर इंटर्नशिप में इसके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए मतलब कोई भी बैचलर डिग्री, और उसके बाद में मतलब बी टेक एम टेक एम बी ए बी ए और बी कॉम। उसके बाद में ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। इसके साथ साथ आपको बढ़िया इसका पैकेज भी मिल जाएगा। अगर आप इसका एक चीज़ देखें कि आपको यहाँ फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा होगा कि ये जो एक तो ये जो टेक महिंद्रा कंपनी है वो लीडिंग एज कंपनी है, मतलब ये बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। उसके बाद नेटवर्किंग और मैनेजर्स इसके पास बहुत है, मतलब एक रिप्यूटेड कंपनी के साथ साथ इसका बहुत सारा ब्रांच भी है। आपको बहुत सारे हाई प्रोफेशनल लोग के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, उसके साथ ही साथ आपको मतलब हैंडसम स्टाइपेंड भी मिलेगा इसमें, मीन्स अप्रॉक्स 15 to 20,000 अगर आप बढ़िया वर्क करते हैं। तो उसके बाद में आपको ये बढ़िया और भी ज़्यादा बढ़िया इसका स्टाइपेंड मिल सकता है। तो अगर आप इसका अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप टेक महिंद्रा के डायरेक्ट ओरिजिनल वेबसाइट पे, मतलब जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं। और उस पर जाने के बाद में आप कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं। कैरियर सेक्शन में आप जाइएगा तो नीचे आपको फिर यहाँ पे जो जॉब्स है और जो इंटर्नशिप है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉब्स में भी आया हुआ है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन हैदराबाद, इन पुणे, इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये सारा कुछ ए टू जेड जॉब्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंट्री, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, ईमेल आईडी, और इससे आप लॉगिन करके मतलब एक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेल आ जाएगा, और मेल आने के बाद में आपको फिर आगे एक क्वेरी, मतलब आगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वो आपको बता देंगे। अगर हम दूसरे एक इंटर्नशिप की बात करें, तो दूसरा जो हमारा इंटर्नशिप है वो है सैमसंग का इंटर्नशिप, जो कि अभी आ गया है। सैमसंग भी अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है जैसा कि टेक महिंद्रा में था। वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बी बी टेक, एम टेक, एम बी ए, बी ए और बी कॉम ले रही है, जो कि फ्रेशर्स हों वो भी चलेंगे, और जो स्टूडेंट मतलब अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी चलेंगे। तो आप यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि जो इंटर्नशिप होता है वो अगर बी बी टेक की बात करें तो फोर्थ ईयर में होता है, या तो सेवन्थ सेम में या 8th सेम में, जो कि 6 months का इंटर्नशिप लगता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, या कोई बढ़िया कंपनी मिल जाए। तो सैमसंग आपको पता है कि मतलब वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, तो आप इस कंपनी में, और अगर खासकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, तो फिर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, तब आपको लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे मेन बात करें, तो ये आपका फुल टाइम का स्टाइपेंड रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा, उसके बाद में स्टाइपेंड भी मिलने वाला है आपको। अगर अप्लाई कैसे करना है इस बात पर जाएँ, तो अप्लाई करने के लिए आप samsung.com, जो कि इसका ऑफिशियल साइट है, आप इस पर जा सकते हैं। उसके बाद में इसके कैरियर सेक्शन में, samsung.com के कैरियर सेक्शन में जाइएगा। कैरियर सेक्शन में आपको बहुत सारे इसका जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा। नीचे आप अगर जाते हैं, तो जॉब्स और इंटर्नशिप दोनों चीज़ के बारे में आपको इसका पता चल जाएगा। उसके बाद में आप डायरेक्ट यहां पर जा करके सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंटर्न। और अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो फिर आपको बाई मेल
वो मेल करेंगे। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो आप मेल यूज करते हैं वो मेल पे आप एक्टिव रहें, और सारा का सारा न्यूज आप इनका जो भी अपडेट आता है तो वो चीज आप देखते रहें। तो आज के जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करिए, और अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेली द हिंदू पेपर का एनालिसिस, जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियोस जो अपडेट रहता है, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी का भी अपडेट, सारा कुछ आपको मिल रहा है एक ही चैनल पे। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।